तो ये हमारा एरे फॉर्मूला का चैप्टर चल रहा है। तो एरे फॉर्मूले में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशंस के बारे में। चलिए अब जैसे कि एग्जांपल हम बताएं आपको, कुछ ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो एक सेल है मान लीजिए इसमें आईडी लगा हुआ है, तो इसमें कुछ आईडी रिपीटेड है, कुछ आईडी यूनिक है। तो मुझे यहां पे काउंट चाहिए कि कितने आईडी यूनिक आईडी कितने हैं, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे नंबर्स को काउंट करना है जो सिर्फ एक बार रिपीटेड है। तो उसके लिए यहां पे हम लोग फॉर्मूला काउंट इफ का नहीं, यहां पे हम करेंगे सम का फॉर्मूला, सम इफ काउंट इफ। और काउंट इफ में हमने पूरे को दिया एंड कॉमा इसी को वापस इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर a इक्वल टू वन है तो यहां पे वन, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तीन है जो कि रिपीटेड है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है, कि ये दो वैल्यू यहां पे डला हुआ है, अब मुझे देखना है कि दोनों वैल्यू में मैचिंग जो है कितना है। तो इसका दो तरीके है। पहला तरीका है कि अगर सिक्वेंसली हुआ कि जैसे कि 52 है, इसके जो इसका सिक्वेंस है यही इसका सिक्वेंस है, जैसे हम लोग जनरली करते हैं कि दैट इज इक्वल टू दैट, ऐसे करते हैं, फिर इसका काउंट निकालेंगे। तो इस चीज को करने का सिंपल तरीका क्या है कि यहां पर देंगे सम, सम के अंदर में हम इसको सिलेक्ट करेंगे इक्वल, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि ट्रू को तो रिजल्ट आएगा, देन इसको हम मल्टीप्लाई बाय वन कर दें, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करें तो रिजल्ट, एक मिनट इसको बोर्ड मास देना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब सेवन आया, अब ये सेवन कैसे आ रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें फॉर्मूला एवलेट करना पड़ेगा, देखिए राइट। तो इसने क्या किया, जितनी भी मैचिंग थी ट्रू ट्रू ट्रू, और जैसा कि याद होगा मैंने लॉजिकल फॉर्मूला पढ़ाते समय आपको बोला था कि ट्रू को वन कंप्यूटर मानता है एंड फॉल्स को जीरो। तो यहां पे ट्रू को वन माना और रिजल्ट आपको, तो ट्रू मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू वन, तो वन हो गया। लेकिन मान लीजिए कि सीक्वेंस में नहीं है कि 85 यहां पर है और 52 ऊपर है, लेकिन डेटा है दोनों में जरूर, फिर मुझे इसको मैच करना, समझे। तो तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहां पे सेम जो ए मेथड लगाया ए मेथड इसमें करेंगे कि सम इफ काउंट इफ सम इफ एंड काउंट इफ इसको लिया और इसमें हमने मैच किया। अगर रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो वन है, अदरवाइज जीरो है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, समझे। हरीश जी, जैकी जी, पुनीत जी, डाउट? बिल्कुल क्लियर सर। तो कंडीशन इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए कुछ और कंडीशंस के बारे में जानते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो थोड़ा।
तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा और मान लीजिए हम यहाँ पे सेल्स लिखा और हमने पूछा। आपको याद होगा कि मैंने आपको वी लुकअप लिस्टिंग पढ़ाया था, राइट? वी लुकअप लिस्टिंग पढ़ाया था, याद है सर? सर हाँ जी। तो इसमें क्या है कि पूजा, एक मिनट और थोड़ा सा रिपीट और कंट्रोल जेट करता हूँ, प्लस और रिपीट कर देता हूँ। तो नॉर्मली वी लुकअप क्या करता है? नॉर्मली वी लुकअप करता है कि सिर्फ जो है आपका सिर्फ एक मतलब कि पहले को शो करता है, लेकिन मान लीजिए कि मुझे सबसे लास्ट वाले को शो करना है, तो मुझे यहां पे देना है कि पूजा का सबसे लास्ट में शो करना है, समझे? जो पूजा है उसकी सबसे लास्ट वाली वैल्यू शो करना है, ठीक है मैम? हेलो जी, बोलिए। सुजीत बात कर रहा हूं। हाँ, सर मैं क्लास ले रहा हूं, मुझे आधे घंटे बाद कॉल कीजिए प्लीज, मैं क्लास ले रहा हूं, बात नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला लार्ज का, लार्ज में देंगे हम फॉर्मूला एफ का, इफ, और इफ में हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इक्वल करेंगे किससे? इससे, पूजा से। ऐसा हुआ तो हमें इस वैल्यू में से शो करना इफ का। अब यहां पे एरे में लार्ज में वन दे दिया, कंट्रोल से एंड, ये सबसे लास्ट 86 दिख रहा है ना, नीचे देखिएगा पूजा का सबसे लास्ट 86 है, इसको शो किया हुआ है। अब ये फॉर्मूला वर्क कैसे कर रहा है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एवलेट फॉर्मूला पे। तो देखा पूजा, जहां जहां पूजा इसने मैच किया वहां वहां उसकी वैल्यू किसने शो कर दिया। देखिए जहां जहां पूजा मैच किया वहां 72। अब लार्ज क्या करता है, फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, तो इसमें जो जितने भी नंबर्स है उसके सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है वो नहीं, नहीं गलत हो गया, एक चीज गलत हो गया, ओहो मैं गलती कर गया, माफ कीजिएगा, ये तो लार्ज हो गया, ये तो उसका मैक्सिफ हो गया, मैक्स यहां पे अगर 70 कर देते हैं 72 आ रहा है ना, देखिए ये गलत है, माफ कीजिए, दिस इज मेरी फॉल्ट है, लगेगा सेम फॉर्मूला, लेकिन यहां पे जो हम रेंज दिए है ना, रेंज नहीं आएगा, यहां पे आएगा इसका रो नंबर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब पता चला कि सबसे लास्ट जो है 52 नंबर पे है, तो ऑफसेट लगाएंगे इससे एंड बोलेंगे कि 52 माइनस 1 और 1 रो कॉलम। अब रिजल्ट आया सर, अब देखिए इस फॉर्मूला क्या करता है, यह फॉर्मूला क्या करता है कि जहां जहां पे पूजा है उसको मैच करता है, जहां मैच किया वहां पे ट्रू दे दिया, और जहां जहां ट्रू है वहां वहां इसकी जो रो नंबर है उस रो नंबर को शो कर दिया, और लार्ज ने सबसे हाईएस्ट रो नंबर यहां पे जो कि 52 है उसको यहां पे दे दिया, तो ये आपका सबसे हाईएस्ट नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पूजा का जैसे वीलुकअप लिस्टिंग है मैं अपनाया था नाम में कि सीरियल नंबर की पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से आए नेम एंड सेल्स, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम यहां पे एस लार्ज सेम कंसेप्ट होगा, बस लार्ज की जगह पे एस स्मॉल होगा, स्मॉल इफ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और एक चीज ध्यान रखिएगा
कि एरे इस्तेमाल करते समय कभी भी आप पूरा का पूरा कॉलन का पाथ नहीं दीजिएगा। और उसके बाद हमने बोला कि अगर ए इफ ए अगर बराबर है पूजा से तो रो नंबर एंड रो नंबर भी हम सेम सेलेक्ट कर लेते हैं कॉमा और ब्रैकेट में उसके बाद हम यहां पे स्मॉल का पोजीशन दे देते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये बेसिकली रो नंबर आया हुआ है तो यहां पे इक्वल ऑफसेट फॉर्मूला लगेगा। ऑफसेट हमने यहां पे स्टार्टिंग ऑफ द डेटा अब एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक ऑफसेट एक कम लेता है एंड जीरो कॉलम पूजा आ गया। तो ऐसे जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने से पहले हमें इसका फ्रीजिंग करना पड़ेगा फ्रीज करके ड्रैग कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझ में आया अतीश जी हरीश जी जैकी जी एंड प्रवीण जी। हाँ जी सर लास्ट वन कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को सर ये वाले में डाउट है थोड़ा सा एक बार ये लास्ट वाला रिपीट कर दो ऑफसेट से क्या यार ये हमारा रो नंबर पता चल गया ना कि पूजा दूसरे नंबर रो पे है तो रो नंबर जब पता याद होगा मैंने मैच के साथ ऑफसेट इस्तेमाल किया था भूल गए नहीं नहीं सर ध्यान है लेकिन फर्स्ट टाइम ही किया था ऑफसेट मैंने मैच के साथ इसलिए थोड़ा तो समझिए ना कि मैच जैसे मैच ऑफसेट हमने इस्तेमाल किए थे ऐसे मैच ने हमें दूसरा नंबर वो दे दिया और ऑफसेट वहां पर उसकी बैलेंस शो करना है। ये सीरियल नंबर जो 1-5 दे रखे हैं ये आपने क्या शो करना चाहते हैं आप इसमें इस फॉर्मूले से यार ये जो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि भाई मुझे पूजा की पहली वैल्यू है अगर यहाँ पे दूसरी वैल्यू तो दूसरा वैल्यू आएगा। आपको आपको याद नहीं है कि मैंने वीलू का लिस्टिंग जो पढ़ाया था हाँ जी याद है सर तो वीलू का लिस्टिंग में जो हमने मेथड किया था एक मेथड ए भी है समझे क्लियर हो गया आप लोगों को। अभी नीचे तक इसको ड्रैग अगर कर देंगे ना तो बाकी का भी आ जाएगा कि यहाँ पे दूसरा पूजा के लिए तीसरा चौथा ऐसा आ जाएगा तो ड्रैग करने के लिए हमें फ्रीज करना पड़ेगा। चलिए मैं कर ही के दिखा देता हूं मैं सोचा ये कर लोगे आप लोग लेकिन मैं कर ही देता हूं पता नहीं कर पाए कि नहीं कर पाए। कंट्रोल शिफ्ट एंटर नीचे तक ड्रैग कर दीजिए हम इसको ठीक है अब पूजा का जगह पर कुछ भी दीजिए मैं रवि देता हूं तो रवि का डेटा आ गया क्या ठीक है ठीक है। कोई डाउट इसमें तो ये वी लुकअप का कंसेप्ट हुआ। ये छोटी मोटी कंडीशन तो लगाते हैं हम बड़ी कंडीशन भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। ऐसे मान लीजिए मुझे अब मान लीजिए कि मेरे पास सम इफ का फॉर्मूला है एवरेज इफ का फॉर्मूला है बट मैक्स इफ का कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना क्या तो यहां आप मैं रवि का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं
तो आप यहां पे एक तो जो हमने लार्ज वाला मेथड बताया था ए, तो ए भी आप मैक्सिमम करके देता है। इससे पहले जो मैं बताया था कि मुझे इसका लार्ज चाहिए, सबसे हाईएस्ट, रवि का हाईएस्ट मैक्स इफ, तो लार्ज से भी लगा सकते हो या फिर आप मैक्स से भी लगा सकते हो। मैक्स इफ, और मैंने बोला कि अगर ई जो डेटा है ये डेटा अगर इक्वल टू रवि है तो ठीक है, अदरवाइज अगर रवि मैच किया तो उसके सामने उसकी वैल्यू को शो कर दे और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दे। तो रवि की सबसे हाईएस्ट वैल्यू 88 है, ठीक है। तो मैक्स इफ का फॉर्मूला भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो अब पता है इसमें क्या, आप इसकी खासियत क्या देख रहे हो? खासियत यह है कि हम इफ फॉर्मूले पर मैनुअल लगाते हैं तो उसमें हम एक कंडीशन से ज्यादा नहीं दे सकते, मतलब तो एक सेल से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन जब हम एरे के साथ चलते हैं तो यहां पे हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है सर? ठीक है हरीश जी? जी सर। तो ये मैक्स इफ का हुआ। अब चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, छोटे और बड़े। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे नेम लिख देता हूं बहुत सारे। अब क्या है कि इस सारे नेम को, मेरे पास बहुत सारे नाम है, इन सारे नेम को एक सेल में कॉमा के साथ मुझे सेपरेट करना है। तो हुआ क्या, कॉमा के साथ कंबाइन करना है सी वन। तो इसके लिए तो फिर, हालांकि इसके लिए तो फिर आपको फॉर्मूला बनता ही नहीं है, कर ही नहीं पाओ। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे पहले चेक करना होगा कि इन सबों का जो लेंथ है, ये लेंथ जो है वो कितना है, ठीक है। मुझे क्या चेक करना है कि इन सबों का लेंथ कितना है। क्यों ऐसा क्यों चेक करना है? ताकि पता चल सके कि एक सेल में कंबाइन होने के बाद इसकी लिमिट को क्रॉस करेगा नहीं करेगा। इसलिए तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला यहां पे कि इक्वल सम, सम के साथ लेंथ, और फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं आपकी डायनेमिक कैसे किया जा सकता है। डायनेमिक कैसे किया जाता है? मतलब कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई वर्ड है, मुझे इसको आपस में सम करना है। तो जैसे कि याद होगा कि इससे पहले की क्लासेस में मैंने बताया था इसको कि हमने यहां पे किया था सम, हमने किया था मिड, और हमने मिड में इसको लिया और हमने कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 ले लिया एंड कॉमा 1, और फिर इसमें हमने मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो रिजल्ट आया था। बट ये 4 तक ही है, कल के डेट में बढ़ सकता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 4 तक का दिखाएगा। तो उस केस में अब कितना हो गया है, ये हो गया 6। तो मैनुअल 6 लिखने से अच्छा है कि मैं यहां पे लिखूंगा रो 1 से लेकर 6 एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो रो क्या किया कि जो हम कर्ली ब्रैकेट में सीक्वेंस देते थे, रो ने उसी काम को फॉलो किया कि इसने कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया, ठीक है।
अब इसका अब लेकिन प्रॉब्लम है कि ये इसके साथ डायनेमिक तो नहीं हो पाया। तो डायनेमिक करने के लिए हमें क्या करना है कि इसका जो सिक्स है इसी को डायनेमिक करना है ना, तो इसके साथ हम कॉनकेटेनेट कर दे रहे हैं इसकी लेंथ, मतलब कंप्लीट लेंथ। बट ये एरर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि रो को चाहिए रेफरेंस, और जो हमने जो कॉनकेटेनेट कर दिया तो ये बन गया टेक्स्ट। टेक्स बन गया, तो मुझे इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में, इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में अगर हम डाल देंगे तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको रेफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, अब फुल्ली ऑटोमेट हो गया कि चाहे जितना भी डिजिट हो वो आपस में ऑटोमेटिकली सम कर। तो इनडायरेक्ट का मेथड समझ में आया, इनडायरेक्ट है रो वाला का मेथड जो है। हां जी सर, सही है, क्लियर है। और किसी को डाउट? तो आप लोग क्या करें, एरे फॉर्मूले की मैं तकरीबन आई थिंक 8-10 एग्जांपल बताए आपको, अब आप अपने हिसाब से 8-10 एग्जांपल बताइए, क्योंकि मैं पहले कह दिया था कि एरे फॉर्मूला एक तरीका है, ठीक है, समझने के लिए एक काफी है और 100 कम है, तो कुछ आप बना के दीजिए। क्या सर? इस फाइल को